तो हम अपनी असफलता से नहीं घबराते हैं, याद रखना, हम घबराते हैं अपने जो माता पिता उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनके टूटने से। ये डर नहीं लगता है परीक्षा में फेल हो जाऊंगा? ये डर लगता है कि नहीं हुआ तो पापा को क्या कहूंगा, मम्मी को क्या कहूंगा, गांव में क्या कहूंगा। तो चलो, दादा मासूम गाजियाबादी का एक शेर है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आपकी तरक्की सिर्फ आपकी नहीं है, आपके गांव की तरक्की है। आप में से कई ऐसे होंगे जो अपने घर के पहले ग्रेजुएट होंगे, आप में से कई ऐसे होंगे जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो पहली पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने पढ़ाई करी होगी कॉलेज में जाकर, घर से दूर जाकर, जिन्होंने पहली बार घर से बाहर जाकर कोचिंग करी होगी। इसलिए कह रहा हूं कि बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है और सारी कोशिशों को जीत के द्वार पहुंचना है। ये मैंने कभी लिखा था ये सोच के कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या सोचते हैं। बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है, पेपर तो वो देने नहीं जा सकते, आपको किताब खरीदने के पैसे जरूर वो दे सकते हैं, किताब लाकर भी दे सकते हैं, लेकिन किताब में जो लिखा है उसको तो आपको ही पढ़ना है। बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है, सारी कोशिशों को जीत के द्वार पहुंचना है। और मैंने अपने लहू से तेरी उम्मीदों को सींचा है, अब तू है वो जिसको मंजिल के पार पहुंचना है। अटल सत्य है इस दुनिया में सबको आखिर मरना है, पर सोचो मरने से पहले जीना है या डरना है। मैं मशाल हूं, मेरा कार्य है तिमिर मार्ग का हरते जाना, तिमिर अंधेरा, मैं एक मशाल की तरह हूं, जिस रास्ते जाऊंगा आप लोगों के लिए अंधेरा दूर करता हुआ चलूंगा कि भाई ये मत करो, ये मत कर लो, ये पढ़ लो, ये मत पढ़ो। मैं मशाल हूं, मेरा कार्य है तिमिर मार्ग का हरते जाना, किंतु मार्ग पर चले या नहीं निर्णय तुमको करना है। मित्रों, हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, हम सबके माता पिता परिवारजन अभिभावक न जाने कितनी पीड़ाओं को सहन करके हमें पढ़ा रहे हैं। एक जॉबलेस का जो एक टैग लगा हुआ है उसको हमसे ज़्यादा वो उस आलोचना को झेलते होंगे। तो हम अपनी असफलता से नहीं घबराते हैं, याद रखना, हम घबराते हैं अपने जो माता पिता उनकी जो अपेक्षाएँ हैं उनके टूटने से। ये डर नहीं लगता है परीक्षा में फेल हो जाऊंगा? ये डर लगता है कि नहीं हुआ तो पापा को क्या कहूंगा, मम्मी को क्या कहूंगा, गांव में क्या कहूंगा। ये अंतिम समय का निर्णय आपको करना है, तो अंत का समय है, जी जान लगा दीजिए, उस स्तर की पढ़ाई कीजिए कि अपने आप से कभी इस बात का गिला नहीं हो कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता या पढ़ लेती। और जिस दिन आपने उस स्तर पर, अपने अनुभव से बता रहा हूं, जिस दिन आपने उस स्तर की पढ़ाई कर ली ना, आप पेपर को 26 तारीख को देके लौटे और आपके मन में था कि यार कि कितने भी नंबर हैं लेकिन इससे बढ़िया मैं नहीं कर सकता था इस पेपर को, याद रखना उस पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा आपका।